शहादत हसन मंटो का 110वां योम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। शहादत हसन मंटो 11 मई 1912 को लुधियाना में पैदा हुए। मंटो ने अलीगढ़ से इब्तदाई तालीम हासिल की और मुसन्निफ की हैसियत से अमली जिंदगी का आगाज किया। 1931 में पहला अफसाना तमाशा लिखा, जो सानिया जलियांवाला बाग के मुतालिक था। शहादत हसन मंटो सहाफत के अलावा रेडियो, फिल्मों और ड्रामों से भी वाबस्ता रहे, लेकिन इनकी शोहरत की असल वजह इनके अफसाने बने। उन्होंने अपने अफसानों की मदद से माशरे की तल्ख हकीकतों को सबके सामने रखा। शहादत हसन मंटो ने अपने जज्बात और एहसास को लफ्जों के मोती प्रो कर हमेशा के लिए अमर कर दिया। मंटो ने तोबा देख सिंह, ठंडा गोश्त, धुआं और आतिशबाजी समेत कई बेहतरीन अफसाने तख्लीक किए। इनके अफसाने न सिर्फ उर्दू अदब का बेशकीमत सरमाया हैं, बल्कि इनकी सब तहरीरें ही बशमूल अफसाने, मजामीन और खाके उर्दू अदब में बेमिसाल हैसियत के हामिल हैं। शहादत हसन मंटो के अफसाने सिर्फ वाकियात पर ही मुनसर नहीं थे, उन्होंने अपनी तहरीरों के जरिए माशरे के बदबूदार पहलुओं को उजागर किया। इनकी बेबाक तहरीरों को तनकीद का निशाना भी बनाया गया और इनके कई अफसानों पर मुकदमे भी चले, जिसकी वजह से इन्हें 6 बार जेल की हवा भी खाना पड़ी। वो अदब बराए जिंदगी के कायल थे, जिनकी कहानियों में दुखी इंसान चलते फिरते दिखाई देते हैं। शहादत हसन मंटो ने 1932 से 1955 तक अपने 23 साल अदबी करियर में 241 अफसाने, 59 ड्रामे, 1 नावल, 61 आर्टिकल और 29 तर्जुमे तहरीर किए। मंटो 1948 में हिंदुस्तान से हिजरत करके लाहौर आ गए और बाकी जिंदगी यहीं बसर की। शदीद तनकीद और मलामतों का सामना करने वाले मंटो की अदबी अजमतों का बला आखिर दुनिया को इतराफ करना पड़ा। इनके नाम के जहां डाक टिकट जारी हुए, बल्कि निशाने इम्तियाज के हकदार भी ठहरे। अफसाना निगारी के इस बेताज बादशाह ने जिंदगी की सिर्फ 42 बहारें देखी, मगर अपनी तहरीरों से सदियों की जिंदगी पा गए।